हमारे साथ चौधरी अक्रम साहब, साबका विलेज रिपोर्ट से और बीसीसी एसटी सर के चेयरमैन है डिपार्टमेंट के, मोहन सिंह जी को आप जाते हैं, हमारे महासचिव हैं उदय सिंह जी भी, हमारे मोदी सरकार का जो फरमान आ रहा है वो युवा विरोधी और जन विरोधी है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो पिछली सरकारों ने खास करके जब से मिलिटेंसी हुई, कांग्रेस की सरकारें रही, दूसरी सरकारें भी रही, एक बहुत बड़ा लाभ जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को यहाँ के हालात को देखते हुए 5 साल की जो एज रिलैक्सेशन थी सिविल सर्विस में यूपीएससी की तरफ से, वो एक बहुत बड़ा लाभ जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं को था, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थी पिछले 20 साल से शिकार है, यहाँ नौजवानों की बच्चों की पढ़ाई के कई मामलों में डिस्टर्बेंस रहती है, आतंकवाद है, और पिछले 6 साल से तो ये चरम सीमा पे है। अपना बॉर्डर फायरिंग की हालत देखें, इन्फिल्ट्रेशन की हालत देखें, आतंकवादियों की संख्या देखें, जो 2014 में 70 के करीब बताई जाती थी, आज तमाम ऑपरेशन ऑल आउट और इतनी हमारे जवानों की कुर्बानियों के बावजूद उनकी संख्या जो है 250 से ऊपर ही रहती है, और मुख्तलिफ मौक़ों पर क्रॉस फायर और फायरिंग के बाद इन्फिल्ट्रेशन की संख्या बढ़ती जाती है, नए रिक्रूट्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, और एक तरफ से सरकार कहती है कि हालात सामान्य नहीं हैं, नेताओं को नज़रबंद और गिरफ्तार रखा जाता है, उनको डिटेन किया जाता है, खास करके 5 अगस्त के बाद जिस किस्म के हालात बने हैं, इंटरनेट बंद है, और आज ही ये झटका मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने वो कंसेशन जो पिछले 30 दशक से जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं को अवेलेबल थी उससे भी महरूम कर दिया। आपने नौकरियों में 50,000 का वादा किया कि 3 महीने के अंदर गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब कह करके गोवा चले गए, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा हो गया कोई नौकरी नहीं, और फिर उसका प्रावधान नहीं जिसके लिए आपको विड्रा करनी पड़ी क्योंकि रोष हुआ, लेकिन एक के बाद एक आपकी युवा विरोधी नीतियाँ हैं मोदी सरकार की, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस महकमा को हमारे जम्मू कश्मीर के एक MP वहाँ हेड करें, वहाँ मंत्री हों, उस महकमे को यहाँ के हालात सामान्य नज़र आ गए, वो कहते हैं कि यहाँ के हालात सुधर गए,